दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में बीती रात को घर के अंदर एल्विस यादव और मनीषा रानी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। जी हां दोस्तों, दोनों ने अपने बीच में जो भी गलत फहमी थी वो बीती रात को दूर कर ली थी और इसके बाद में यहां पर एल्विस यादव बीती रात को यहाँ पर मनीषा रानी के सिर में काफी देर तक चंपी करते हुए नजर आए, जो कि सीन देखने में काफी प्यारा था। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि पहले तो बेडरूम एरिया में बात कर रहे थे, दोनों ने अपने बीच में गलत फहमियों को क्लियर किया। इसके बाद मनीषा ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मैं अपनी जगह पर जा रही हूँ, और यहाँ पर एल्विस भी मनीषा के पीछे पीछे आ गए। जिसके बाद मनीषा रानी अपने बालों में तेल लगाने लगी और इस दौरान एल्विस ने कहा कि ले मुझे दे, मैं तेरी चंपी करता हूँ। और एल्विस ने यहाँ पर मनीषा रानी के बालों में नारियल का तेल लगाते हुए चंपी करना शुरू कर दिया। और इस दौरान दोस्तों नारियल की बोतल जो है वो ठंड की वजह से पूरा तेल जो है वो जम गया था, और एल्विस इसके बाद में बोतल को काट कर ले आते हैं और उसको गैस पर गर्म भी कर लाते हैं ताकि जो ऑयल है जमा हुआ वो मेल्ट हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर बोतल काटने वाली बात मनीषा रानी को पता नहीं चली, जिसके बाद में एल्विस यादव बोतल में से कटी हुई में से तेल निकाल कर मनीषा के सिर में लगा रहे थे। और इस दौरान मनीषा ने कहा कि एक बार तेल की बोतल मुझे दो, थोड़ा हमको चाहिए। और जैसे ही मनीषा ने तेल की बोतल ली, उसने पूरी की पूरी उल्टी कर डाली बोतल को। और दोस्तों जैसे ही बोतल उल्टी हुई तो यहाँ पर मनीषा, जो कि उसको पता नहीं था कि बोतल कटी हुई है, सारा का सारा तेल मनीषा रानी के हाथ में आ गया। जी हाँ दोस्तों, उसकी पूरी ब्लैंकेट वगैरह सब पर तेल ही तेल हो गया था। और मनीषा रानी ने जो बचा कुचा थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ तेल था उसको वापस बोतल में भरना शुरू कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर एल्विस यादव बचा कुचा तेल जो था वो मनीषा रानी के सिर पर लगा देते हैं और फिर से चंपी करने लगते हैं। और इस दौरान एल्विस यादव बताते हैं कि मैं हमेशा अपनी माँ के भी ऐसे ही चंपी किया करता था, उनको भी काफ़ी अच्छा लगता था ये चीज़। और यहाँ पर मनीषा रानी ने कहा कि आप वाकई काफ़ी अच्छी चंपी करते हो एल्विस, और ये सुनकर एल्विस को भी काफ़ी अच्छा लगा। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ थी बीते दिन फैमिली टास्क के दौरान जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इन दोनों ने भुला दिया और यहाँ पर एक बार फिर से दोनों काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल दोस्तों आप भी इन दोनों के फैंस आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जब नहीं लड़ रहे तो हमें लड़ने का कहाँ हक है। फिलहाल दोस्तों यदि आप भी मनीषा रानी और एल्विस यादव के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।